नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सुक्खू सरकार किफायत की ओर बढ़ने के लिए सुक्खू सरकार ने काफी कैबिनेट सब कमेटियों का गठन किया हुआ है, जिसमें सरकार को घाटे से उबारने और ऋण से मुक्ति पाने के उपाय खोजने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत कुछ कड़वे निर्णय पिछले दिनों में हुए हैं और अब एक कमेटी गठित की गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं राजेश धर्माणी जी, उनकी अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई है जो कि बिजली बोर्ड से जुड़े हुए जो घाटे से उभारने के लिए, बिजली बोर्ड का 1800 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है पिछले वित्त वर्ष में जो था, उससे उभारने के लिए कोई उपाय और सुझाव वो स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं जिसके तहत डिजाइन विंग में 51 पद खत्म कर दिए गए हैं और 81 आउटसोर्स पे जो स्टाफ रखा था उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं पहले चरण में, और बिजली बोर्ड में सब्सिडी, इस तरह के जितने भी सब्सिडी के जो दबाव पड़ा हुआ है बिजली बोर्ड के ऊपर, उससे मुक्ति कैसी पाई जाए, और एक उत्तराखंड के मॉडल को स्टडी किया जा रहा है ऐसी सूचना है। क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल से बहुत बाद में बना हुआ राज्य है और टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक वहां पे पूरा नहीं हुआ है और उत्तराखंड का बिजली बोर्ड मात्र 2800 पदों से चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ 18,000 पद हैं, उनमें रेगुलर भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं और आउटसोर्स के भी हैं। तो यहाँ पे एक ये भी बात सामने आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो 3 रुपए तक आती है, जबकि नेशनल में ये 30 पैसे है। इस कारण भी बिजली बोर्ड पे दबाव पड़ रहा है और कमेटी अब 23 तारीख को फिर सब कमेटी बैठक करेगी और कुछ और भी कड़े निर्णय लेगी। माना जा रहा है कि जो इम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन और अन्य भत्तों का खर्चा है उससे निजात चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार, और आने वाले समय में हो सकता है कि कर्मचारियों के अधिकारियों की संख्या बिजली बोर्ड में आधी ही रह जाए, ऐसे सुझाव भी आ सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा, वहीं पे बिजली बोर्ड कर्मचारी और संयुक्त मोर्चा अधिकारी सब इसका विरोध कर रहे हैं, 10 दिन के अल्टीमेटम पे भी चले हैं। ये जो 51 पद खत्म किए गए हैं, जो आउटसोर्स से निकाले गए, इनको बहाल किया जाए, और कई तरह के उन्होंने 9 से शाम तक काम करने, उसके बाद काम ना करने का भी निर्णय ले लिया है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं हीरा लाल वर्मा जी, हैं महासचिव हैं बिजली बोर्ड कर्मचारी महासंघ के, और संयुक्त मोर्चा है उसके भी महासंघ हैं। विनोद बाबू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी हैं, भाजपा से हैं, भाजपा नेता हैं बड़े, और एसएस जोगटा जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और पूर्व कर्मचारी नेता भी हैं। तो मैं सबसे पहले हीरा लाल वर्मा जी के पास जाऊंगा। हीरा लाल जी, कैबिनेट सब कमेटी के जो धीरे धीरे सुझाव एक एक करके आ रहे हैं, उससे वो मानना है, सरकार का मानना कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है जो हमें हर साल इसको 950 करोड़ की ग्रांट भी देनी पड़ रही है सरकार को इसका घाटा पाटने के लिए, और इसलिए इस पे कर्मचारियों की संख्या सीमित की जाएगी और जो लीकेज है, जो गैर जरूरी काम है, वो इस बोर्ड में फिजूल खर्ची बंद की जाएगी। तो इन सुझावों को कर्मचारी किस तरह से ले रहे हैं? जी सबसे वर्मा जी, पहले तो मेरे डॉक्टर साहब, सभी जो जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। आपने एक बात कही कि जो बिजली बोर्ड को ग्रांट की बात है, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इसी से शुरू करता हूँ मैं। जो ग्रांट जो सरकार बोल रही है हम ग्रांट दे रहे हैं, या सरकार की अफसरशाही भी बार बार यही बोलती है हम बिजली बोर्ड को ग्रांट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है अगर आप इसको समझेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि जो बिजली हम खरीद रहे हैं आज की डेट में, लगभग हमारे पास 20% जनरेशन अपनी रहती है। इसके अलावा 80% जो पावर है वो हम खरीद के करते हैं, वो आपका स्टेट सेक्टर के हो जो, या स्टेट सेक्टर के जो पब्लिक सेक्टर में हमारे यहाँ जनरेटर है, या आपके आईपीपीज हैं, या आपके जो नॉर्दर्न जो ग्रिड है उससे खरीदते हैं, और 20% हमारी अपनी जनरेशन है। अब आप जो बाहर से बिजली परचेज के अरेंजमेंट है वो 5-6 रुपए या 9 रुपए तक पावर परचेज के अरेंजमेंट रहते हैं, और उस बिजली को हम सरकार के कहने पे एक क्लास को, जो उनकी क्लास है कि 125 यूनिट से नीचे जो कंजम्पशन जिनकी है कंज्यूमर्स की, उनको सरकार के कहने पे फ्री पे दे रहे हैं। जो हम सरकार को बोल रहे हैं, सरकार को तो हम बिल दे रहे हैं कि जो सरकार ने 125 से नीचे यूनिट जो लोगों को फ्री किया है उसका बिल हम सरकार को दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये ग्रांट नहीं है, ये जो कंजम्पशन हुई है जो सरकार के वेलफेयर की स्कीम है उसके तहत हुई है, तो सरकार का रोल बैक है, तो ये ग्रांट नहीं है। तो मुझे लग रहा है अभी तक बिजली बोर्ड को ऐसा कोई कई सालों से सरकार की कोई ग्रांट नहीं है। ये जो बिजली हमने महंगे में खरीदी थी उसी को कंपनसेट किया जा रहा है।
दूसरी बात जो अभी बात कर रहे हैं आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं वहीं आता हूँ कि जिस जो शायद मुझे लग रहा मेन कॉज भी है जिस करके एयरबॉर्न को आगे आप बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको जो हमने उत्तराखंड का एनालिसिस किया, उत्तराखंड आपका ऐसा राज्य है जहाँ 100 इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई। जो आप गांव की बात करें, लगभग 2016 में वहां जो शहर थे या जो हैमलेट गांव थे उनको इलेक्ट्रीफाई किया, लेकिन जो ऐसे एक एक गांव के एक एक घर के बने अभी तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वहां नहीं हुई है, जबकि बिजली बोर्ड ने 1988 में लक्ष्य हासिल कर लिया था। तो दूसरी जो हम वहां की आप अगर आप उसको देखेंगे थोड़ा सा जियोग्राफिकल कंडीशन उसकी, उत्तराखंड की हमारे से बहुत भिन्न है, और वहां जो उत्तराखंड का जो आपका एरिया है, एरिया उत्तराखंड का 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, हिमाचल का 55,673 है। ये मान के चले कि हिमाचल उत्तराखंड से स्कैटर्ड है और बिखरा हुआ एरिया है। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में आपकी 13 है, हमारी 12 है। और तीसरा जो माउंटेन एरिया है, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, वो आपका वहाँ उत्तराखंड में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ बड़ी सिटी है, देहरादून है, बाकी जो है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 95% एरिया आपका ऐसा क्षेत्र है जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है या पहाड़ों से घिरा हुआ है। और साथ में जो पॉपुलेशन आप देखेंगे, पॉपुलेशन आप उसका एरिया कम है लेकिन पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर की है, हमारी पॉपुलेशन 66 लाख की है। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिस पर उनकी कंजम्पशन भी ज्यादा है, उनकी कंजम्पशन ज्यादा है। आप एक देखें, अगर जहां कंजम्पशन ज्यादा है तो अल्टीमेटली कंजम्पशन पर यूनिट के हिसाब से एम्प्लॉइज कॉस्ट कम आएगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड से हम बिजली हिमाचल बिजली बोर्ड को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन और उसकी जो अपनी पॉलिसीज हैं, उसकी जो बोर्ड का ढांचा है वो अलग है, इस करके उत्तराखंड से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। और मोटे तौर पे अगर उत्तराखंड का देखें, वहाँ सारा काम आउटसोर्स पे है और जो आउटसोर्स का खर्चा है उसको आरएम पे चार्ज किया जा रहा है, टैरिफ पे पास थ्रू हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉइज कॉस्ट की जगह आरएम पे जा रहा है। तो इस करके जो वहाँ की कंडीशन है वो भिन्न है, हिमाचल की भिन्न है। और हिमाचल की अगर देखें, हिमाचल की आपकी सर्विसेज भी एज कम्पेयर टू उत्तराखंड काफी बेहतर है। दूसरी बात, आपने कही जो पोस्टें अब्लिश की है और फॉर्म के नाम पे अब्लिश की है, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो पोस्टें अब्लिश की है, कुंजा पोस्ट है, मेरे पास ऑर्डर है जो 51 पोस्ट है, और 51 पोस्ट का जो ऑर्डर जारी किया गया है, इसमें ये पोस्ट है जब बिजली बोर्ड बना था 1971 या उसके बाद जब कार्यालय खुले थे, उन कार्यालयों के साथ उन पोस्टों का सृजन किया गया था। और इन पोस्टों का अगर आप टेक्निकली समझेंगे, जैसे आप डीसी होता है, डीसी के बाद अगर डीसी कार्यालय में नहीं है तो नेक्स्ट एडीसी या एसी जो भी नाम होगा वो उसको देखता है, उसी तरह से जो चीफ ऑफिस है, चीफ ऑफिस में चीफ क्योंकि फील्ड ड्यूटी है, चीफ कहीं बाहर जाएगा तो उसकी जगह एक नेक्स्ट एसी वर्क्स होता है जो दफ्तर को चलाता है, इन द सेंस ऑफ चीफ जो है पूरे दफ्तर को चलाता है। और उसी तरह से नीचे सर्कल में एसी में आपका आप स्ट्रक्चर देखें, सेटअप देखें, गवर्नमेंट में भी है, अगर चीफ मिनिस्टर है तो डिप्टी सीएम भी है, स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर भी है। तो वही स्ट्रक्चर है जो मुझे लग रहा है कि 1971 से यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहा है। और ये यही नहीं है, ये आपका जो पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, उसमें भी इस तरह का स्ट्रक्चर है, और मुझे लग रहा है पंजाब में भी यही स्ट्रक्चर है जो ये स्ट्रक्चर है। तो अभी जो पोस्ट है वर्मा जी, पोस्ट उत्तराखंड का जो कंपैरिजन कर रही है सब कमेटी, 2800 पोस्टें हैं और एरिया भी लगभग बराबर है और वहां पे जनसंख्या ज्यादा है और उसके बावजूद वहाँ खर्चा कम है बिजली बोर्ड का, ये कहना है कहीं ना कहीं कमेटी का, हमारे यहाँ एम्प्लॉइज का नेटवर्क बहुत ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है कि आप उत्तराखंड का जो मेरा विश्लेषण है, उत्तराखंड पे जो स्टडी हमने की है, उत्तराखंड की आपकी एम्प्लॉइज कॉस्ट भले कम होगी लेकिन बिजली की तरह वो हिमाचल प्रदेश के बराबर बराबर है, उससे ज्यादा है। आप या तो उसका इम्पैक्ट नीचे आ रहा हो कि भी आपकी दरें कम है, दरें तो कम है नहीं, आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कॉस्ट आपने घटा करके वो ठेके पे दे दिया, खर्चा एम्प्लॉइज हेड पे नहीं आया तो ठीक है, जो आरएम है या दूसरे हेड है उस पे खर्चा आया, वो जस्ट उनके जो हेड शिफ्ट हुए। यही तैयारी हो रही है यहाँ भी, आपकी पोस्टें 18,000 से आधी ले जाकर क्या फिर आउटसोर्स की तैयारी है क्या? अभी जो ये पोस्टें एब्लिश की है, पहले तो मैं कहता हूँ हमारा एक ज्वाइंट फंड का मैं कन्वेनर भी हूँ, ज्वाइंट फंड के कन्वेनर के नाते मैं कहना चाहूंगा ये पोस्टें फंक्शनल पोस्टें हैं और इन पोस्टों के एब्लिश करने, क्योंकि इन पे एमेंड थी, इस पे ऑफिसर अधिकारी काम कर रहे थे और अधिकारी को वहां से शिफ्ट करके कहीं और भेजा गया, तो मुझे लग रहा है इनके खत्म करने से कहीं ना कहीं जो फंक्शनिंग दफ्तरों की वो फंक्शनिंग प्रभावित होगी, जो कंज्यूमर्स को हम सर्विस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दूसरी बड़ी बात, अगर हम इसको कॉस्ट से भी देखें कि अगर कहीं एक जो सब कमेटी है या गवर्नमेंट का एक नजरिया है कि आपने कॉस्ट कम करनी है, आप देखें अगर आपके जो अधिकारी हैं, कुंजा अधिकारी हैं, जो आपने अभी पोस्ट एब्लिश किए, अधिकारी तो आपके पास रहे हैं, आपने ए लोकेशन से बी लोकेशन में ट्रांसफर किए लेकिन कॉस्ट आपकी कम नहीं हुई, सैलरी नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा ये सब तो रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल,
मुझे लग रहा है कि जो कॉस्ट का भी अगर देखे तो कोई प्रूडेंट डिसीजन नहीं है कि कॉस्ट उनकी कम होगी, तो ये जो फैसला है ये मुझे लग रहा बोर्ड हित में है और हम इसका ज्वाइंट फंड के इससे भी विरोध कर रहे हैं। और साथ में भी कहना चाहेंगे अभी जो इन्होंने आउटसोर्स के कर्मचारी को निकाला गया, आप डॉक्टर साहब आप देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है उसका एक एक सोशल वेलफेयर का एस्पेक्ट रहता है, और आज इरिस्पेक्टिव टू गवर्नमेंट, वो चाहे हिमाचल हो बाकी स्टेट हो या सेंटर हो, आज जो बेरोजगारी देश में है या प्रदेश में है उसको सरकारें अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। अब रोजगार तो बहुत है, इसको आउटसोर्स पे रख लो, कुछ टाइम के लिए उसको निकाल दो, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो जनरेशन है आउटसोर्स की उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन है। आप देखेंगे शिमला में, मैं शिमला में यहाँ रहता हूँ, यहाँ हमारे बहुत सारे बच्चे जो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं उनके बच्चे भी हो गए। वर्मा जी एक दिन अलग से करेंगे, बहुत शोषण हो रहा है उनका, जब मर्जी निकाल देते हैं जब मर्जी रख लेते हैं। चलिए मैं भावुक जी के पास आऊंगा। भावुक जी, छंटनी शुरू हो गई है और उत्तराखंड के मॉडल को एक रोल मॉडल बनाया जा रहा है, जो पता चल रहा है कि उस तरह की तैयारी हो रही है। यहाँ पे एम्प्लॉयज का खाका 18,000 के करीब है, पेंशनर भी बहुत हैं, ये है लगभग ये 25-30,000 40,000 के करीब होते हैं शायद, हीरालाल जी ने एक बार बताया भी था पेंशनर को मिला के। सरकार इस बोझ को कम करना चाहती है क्योंकि आउटसोर्स जब ठेके पे प्रथा चलेगी पेंशन की लायबिलिटी नहीं होती है, तो ये सरकार वैसे भी रोजगार के देने के नाम पे आई थी, तो हीरालाल जी ने भी वही बात घुमाई है इसको लेके। तो आपको लगता है कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश अचानक पदों को जब खत्म करना शुरू कर दिया जाएगा, धीरे धीरे कटौती कर दी जाएगी, 2100 पद अभी मांग रहा था एसोसिएशन, इनकी मांग रही थी जो फील्ड में खत्म खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उल्टा निकालना शुरू हो गया है, तो क्या इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? सबको नमस्कार जो चर्चा में भाग ले रहे हैं। देखो जो इमीडिएटली जो चीजें हुई हैं बोर्ड के अंदर, जो सरकार ने डिसीजन लिए, इससे एक बात तो तय है कि प्रदेश सरकार जो है बिजली वितरण के काम को कहीं ना कहीं पे निजी सेक्टर में देने की तैयारी में लग गई है। और इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये है कि जी भावुक जी सत्य मिलते हैं उनसे बचने की सोच रही है। सरकार को भी इस चीज का इल्म है कि बिजली बोर्ड का जो घाटा है वो साल दर साल सरकार दर सरकार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम बिजली उत्पादन करने वाले प्रदेश में ना तो उपभोक्ता खुश है बिजली को लेके, और ना ही कर्मचारी और पेंशनर खुश है। और मेन चीज सब चीज सामने सरकार के पास सबसे वर्तमान सरकार के जो बड़ा वादा था कि बिजली मुफ्त देंगे, उससे एक टर्न मार के अब तो सरकार बिजली बोर्ड को ही खत्म करने पे आ गए हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बिजली वितरण का काम जो है कहीं ना कहीं इसको जिस तरह से दिल्ली में है या बॉम्बे में इस तरह से बिजली को जो वितरण का काम है, तो खासकर दिल्ली का जो मॉडल है वो वहां पे ये कहना आप सरकार ने ये प्रूव किया है कि वितरण को प्राइवेट हाथ में दे के जो लीकेजेस थी जो उसको रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये बेशक बोल रही है सरकार की उत्तराखंड का एग्जांपल लिया जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा ये साफ दिख रही है कि बिजली वितरण का काम हिमाचल प्रदेश में अभी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, ताकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, चाहे वो पेंशन को लेके हो चाहे भत्तों को लेके हो, उससे बचा जा सके। और इसकी शुरुआत कर दी है ये जो डिजाइन के जो 57 पदों को इमिडिएटली नोटिफाई किया है उनको निकालने की बात, और 81 और जो कहना जो पद हैं जो चालकों के पद हैं उनको भी हटाने का जो बात हो रही है, और जो 23 तारीख को जो बैठक है, तो कहीं ना कहीं पे इशारा साफ दिख रहा है सरकार की जो नीयत है वो साफ दिख रही है कि सरकार बोर्ड को आगे चलाने के बजाय या ढोने के बजाय कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा लग रही है कि सरकार इस काम को निजी हाथों में दे के बोर्ड का जो घाटा है या बोर्ड की जो एक लायबिलिटी है उससे बचने की कोशिश में आ चुकी है सर। जी जी दूसरा भावुक जी, एक स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है? लीकेज तो दावा है सरकार का कि हम लोन लेके स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और उससे टेंडर भी हो चुके हैं, काम भी शायद शुरू हो गया है, तो उससे हम लीकेज खत्म कर देंगे। और दूसरी बात, हीरालाल जी ने बड़ी बात कही कि जो हम 80% बाहर से खरीदते हैं, हमें फ्री बिजली मिलती है, कई कुछ मिलता है, उसे हमें बेच देते हैं, ये जो सेल परचेज का एक बड़ा फैक्टर है उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है कि हम 5-4, 5-6 रुपए यूनिट भी लेते हैं,
मतलब इस तरह के हम कर, वो हमने पीपीए ऐसे कर रखे हैं, सोलर के ऐसे पीपीए कर रखे हैं कि हम 4.5-4 रुपए यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है, और कुछ कंपनियां आपको 2-2 रुपए यूनिट तक भी देने को तैयार थी। ये गड़बड़ जाला अभी कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड में शुरू से चलता आ रहा है, इसका खात्मा कैसे परचेजिंग होगा? को लेके तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है वो साल में कुछ महीने बिजली बेचता है और कुछ महीने बिजली खरीदता है। तो सरकार का ये 22वां वर्षा है, और अगर इसको कंपैरिजन को देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा हम ये नहीं कर रहे, ये लग बात है कि हमारे समझौते जो है उसमें हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश खुद की भी बिजली बेचता है दूसरे प्रदेशों को, और जब यहाँ पर लीन सीजन होता है तो बिजली परचेज करता है। ये ठीक है, आपने जो क्या नए मीटर लगाने की जो बात कही है, मीटर तो चाहे निजी हाथों में हो चाहे सरकारी, निजी हाथों में होगा तो मीटर और फास्ट लगेंगे, क्योंकि वो तो इस लेवल पे रहेंगे कि कहीं ना कहीं एक भी यूनिट का ना हो। तो आप मीटर्स के बजाय, मीटर जो स्मार्ट मीटर है उनको सोचने के बजाय आप इस तरह से इस चीज को ध्यान में रखें कि इमीडिएटली जो कर्मचारियों की छटनी है वो सीधा सीधा संकेत है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं पे ये मन बना चुकी है कि बिजली बोर्ड की जी जगह बिजली वितरण जो है, बिजली खरीदना बेचना जो जी है, इसको कहीं ना कहीं पे निजी हाथों में सौंप जी के छुटकारा जी पाया जाए बोर्ड से, क्योंकि बोर्ड के एक तो कर्मचारी काफी है थोक में है, और दूसरा जो हर साल है सरकार को जो ग्रांट इन नीड के रूप में बिजली बोर्ड को पैसे देने पड़ रहे हैं, और आई थिंक कि सबसे बड़े बोर्डों में बिजली बोर्ड है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार बिजली बोर्ड को का चीजें जो है वो निजी हाथों में सौंप के इस चीज से चलिए बचने की कोशिश में है सर। चलिए, घनश्याम जी जुड़े हैं हमारे साथ। घनश्याम जी, आपकी सरकार भी रही पीछे 5 साल, तब भी निजीकरण की तरफ बढ़ने की कोशिश होती रही, लेकिन कर्मचारी डटे रहे, एसोसिएशन डटी रही, नहीं होने दिया गया इसका निजीकरण। लेकिन बाबू जी जैसा कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, एक प्लेटफॉर्म, एक भूमिका बनाई जा रही है बिजली बोर्ड को जो सेवाएं हिमाचल में निजी हाथों में सौंपने की। जी घनश्याम जी, देखिए डॉक्टर साहब, मेरा इसमें दो विषय जो मैंने अभी सुने और समझे, जैसे वर्मा जी ने कहा और बड़े भाई प्रमोद भावुक जी ने कहा है, मेरा इसमें एक बड़ा सीधा सीधा मत है कि प्रदेश की ऐसी परिस्थिति बिजली बोर्ड की बनी क्यों है। एक समय बिजली बोर्ड के अंदर ऐसा हुआ करता था कि जब सरकार के खजाने में पैसों की दिक्कत आ जाती थी तो बिजली बोर्ड से लोन लेकर के काम चलाया जाता था। वो भी आज दौर उसी था बिजली बिल्कुल। आज उसी बिजली बोर्ड को एक घाटे का दिखा करके, घाटे का संस्थान दिखा करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे कहीं ना कहीं पसंद आने वाला या समझ आने वाला नहीं है। अब दो बातों को देखिए कि हिमाचल प्रदेश आज की डेट में अगर बाकी प्रदेशों में भी कंपैरिजन करें तो एक बहुत अच्छा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में उभर करके सामने आया है। राज्य के अंदर बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये ठीक है कि एक ऐसी चीज है जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये स्टोरेज नहीं हो सकती है, जितनी जी जनरेशन होगी उतने कंजप्शन में जाएगी। तो क्या हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जिस भाव से हम बेच रहे हैं, जो हमारे समझौते हैं, जो हमारे नेगोशिएशन हुई है दूसरे प्रदेशों के साथ, जो हमारा लेने का जो भाव है दूसरे प्रदेशों से, उसमें और बेचने के भाव में कितना कंपेरिजन है, सबसे बड़ा विषय तो ये है। आपने ठीक कहा डॉक्टर अजीब जी की इसमें बहुत बड़ा आने वाले समय में गड़बड़ झाला देखने को मिलेगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात पे अगर हम आए कि सरकार इसको प्राइवेट सेक्टर में देने जा रही है, सरकार कांग्रेस की या कुछ भी कर सकती है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ करके मैं इस बात को स्पेशली कह रहा हूं कि हम सभी, आप और हम सभी लोग इस प्रदेश के नागरिक हैं, हमें इस प्रदेश का भला बुरा और सबका अच्छा भला पहले देखना है। हमारे प्रदेश के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर प्रदेश के बच्चों को, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना हो। अगर कहीं छोटा बहुत इंडस्ट्रियल सेटअप था तो सरकार की गलत पॉलिसी के कारण वो भी लगभग यहां से पलायन करने के मोड़ पे आ गया है। जहां प्रदेश के अंदर लोगों की बेरोजगारी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है बच्चों का, अगर हम जी बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय जो लगे हैं उनको भी निकाल देंगे तो मैं नहीं समझता ये कि प्रदेश को अच्छा मॉडल बनाने की तरफ कोई कदम है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर ऐसी ही परिस्थितियां रही, वर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं,
मेरा इसमें कहना यह है कि सरकार को, हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड का मॉडल हम स्टडी करेंगे, क्यों करेंगे, क्या जरूरत क्या आन पड़ी है उत्तराखंड का मॉडल स्टडी करने की। जब हमारी सरकार थी, मैं चेयरमैन था, तब भी HRTC को लेकर के एक विषय हमने खड़ा किया और तब भी कहा गया कि हम हरियाणा के मॉडल को अडॉप्ट करने की बात अधिकारियों ने कही। मैंने उस वक्त भी कहा कि हरियाणा के मॉडल को हम क्यों अडॉप्ट करें। हमारा ये बनता है कि हम अपने प्रदेश के जो कार्यरत कर्मचारी है उस परिवार के साथ बैठे, परिवार के साथ सारी समस्याओं का सामने रखें कि ये प्रदेश की हमारी स्थिति है, इसके ऊपर आपके क्या सुझाव है। वहां क्योंकि हर प्रदेश की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अपनी है, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अपनी है। हमें ये चाहिए कि ये जो बार बार एक आडंबर रचा जा रहा है ये कुछ नहीं है। एक नया एक विषय इस बार मैंने पहली बार देखा 19-20-21 महीनों की सरकार के कालखंड के अंदर, जो ऐसा कभी होता नहीं था। अगर आपने पिछली सरकार के अंदर मान लो को 10 रुपए का काम शुरू किया है, उसके ऊपर 10 की जगह 15 रुपए खर्च कर दिया है, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उस 15 रुपए के काम को बंद कर देंगे, उसके पहले अगला काम शुरू कर देंगे। अरे भाई तुम्हारा तो जहां कुछ नहीं रहा है, ये पैसा प्रदेश का है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही ये बिजली बोर्ड के अंदर भी हो रहा है, ये बाकी जगहों के अंदर भी हो रहा है। लोगों को नौकरियों से आप बाहर कर रहे हैं, अधिकारियों की जो बड़ी हुई फौज है, देखिए मामला कहां बिगड़ा, पहले बिजली बोर्ड को कट लगा दिया है घनश्याम जी। आप कट लगा करके उनको भेज कहां रहे हैं, आप उनको दूसरे विभागों में ले। लाइबिलिटी तो जहां थी, लाइबिलिटी इस घर में नहीं उस घर में हुई, अल्टीमेटली पानी का जो कुआं है वो तो एक ही जगह से है ना, पानी का सोर्स तो एक ही है, वो चाहे हम ग्रांटी नेट दें चाहे किसी को सैलरी दें। मेरा इसमें अभाव ये है कि पहले भी बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने साजिश रची, सरकार के साथ मिले, बिजली बोर्ड को तोड़ा गया, कोई नियामक आयोग बना दिया, कोई कुछ बना दिया, अधिकारियों की फौज बढ़ती गई लेकिन कर्मचारियों की छंटनी होती चली गई। इस विषय के अंदर बिजली बोर्ड के कर्मचारी बिल्कुल यक्ष रक्ष ठीक है अपनी जगह के ऊपर, इनके साथ पहले भी धोखा हुआ, और अगर ये सजग नहीं रहेंगे, वर्मा जी मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूं कि अगर आप लोग सजग नहीं रहेंगे तो कुछ भी आने वाले समय में संभावना हो सकती है। अब आप देखिए सरकार का मॉडल क्या, डॉक्टर साहब एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। सरकार का मॉडल देखिए, सरकार के आते ही सैकड़ों संस्थान बंद कर दिए, उन्होंने कहा जी ये संस्थान खोलने की जरूरत नहीं थी, और हैरानी की बात यह है कि इस 20-21 महीने के कालखंड के अंदर उन बंद किए हुए संस्थानों को, उसमें से आधे संस्थानों को दोबारा अपने ढंग से खोल दिया। ये जो हमारा एक होड़ लग गई है कि एक दूसरे को गलत साबित करने की जनता के अंदर, इसको बंद करना पड़ेगा प्रदेश हित में, और प्रदेश के बिजली बोर्ड को सरकार जो है वो ठीक दृष्टि से देखे तब जाकर के प्रदेश के अंदर। चलिए जोगटा जी जुड़े हैं हमारे साथ। जोगटा जी, व्यवस्था परिवर्तन का आपका नारा कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है एम्प्लॉइज को, प्रदेश के लोगों ने भी कई जगह इस जो व्यवस्था बदली, कार्यालय बंद हुए जैसा आप जिक्र कर दिया इन्होंने। अब बिजली बोर्ड को घाटे से उभारने के लिए जो कवायद और जो कमेटी की सिफारिश धीरे धीरे लागू होनी शुरू हो गई है, वही विनोद बाबू जी ने आज बड़ी बात कही, सोचा तो जा रहा था, सब सोच रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट एक पास हुआ है जिसके तहत राज्यों को देर सवेर बिजली का वितरण निजी हाथों में देना ही है। उसके तहत पिछली भाजपा सरकार ने यहाँ भी प्रयास किए लेकिन कर्मचारी डटे रहे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन उससे पहले विंग बने, बोर्ड टूटा, जनरेशन विंग लागू हुआ, ट्रांसमिशन विंग लागू हुआ, लेकिन अब इस बोर्ड की संख्या उत्तराखंड से कंपैरिजन करके इम्प्लॉयज की संख्या कम करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन भविष्य का नजर आ रहा है। जोगटा जी, आपकी सरकार के खिलाफ ऐसा लग रहा है ये आंदोलन की शक्ल ले लेगा जी। नमस्कार सभी मेरे सहयोगियों को। जी जी डॉक्टर साहब, मैं सभी सहयोगियों का भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहां तक घनश्याम जी ने कहा कि भी हमने कुछ संस्थान जो भारत सरकार ने इलेक्शन के दौरान एक अपीजमेंट पॉलिसी के तहत खुलवाए थे बिना किसी स्टाफ के, बिना किसी सेंक्शन ऑफ फंड्स के, वो बंद किए, तो क्या वो मरा हुआ कि भी हमने बंद किए, क्योंकि वो एक इलेक्शन स्टंट था। जहां तक इन्होंने बात की भी उत्तराखंड का मॉडल ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, हम किसी भी मॉडल को स्टडी कर सकते हैं,
लेकिन फैसला तो हमने खुद करना है। हम गुजरात का भी कर सकते हैं मॉडल, दिल्ली का भी मॉडल स्टडी कर सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि हम उसके उत्तराखंड के मॉडल को अपना रहे। और जस्ट टू स्ट्रेंथन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहां पर करोड़ों रुपए का जो अनुदान बिजली बोर्ड को दिया जा रहा है कई सालों से लेकर, सरकारें जिसकी भी रही हैं, वो एक बहुत बुरी बात है। और जबकि हम सक्षम होते आज की डेट में, किसी कारण नहीं हो पाए। जल संपदा हमारी इतनी है प्रदेश के अंदर, मिट्टी भी हमारी, पानी भी हमारा, नदियां भी हमारी, फिर भी हम आज की डेट में 20% इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेट कर रहे हैं, 80% हम बाहर से ले रहे हैं। क्यों? जबकि हमारे पास इतना सरप्लस पानी है, उसका दोहन करना चाहिए था। और जबकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर बात करें आज की डेट में, वहां पर अफसरों के, जहां पर जो दूसरे कर्मचारी हैं, चाहे वो लाइनमैन है, चाहे वो टीममेट है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो सर्वेयर, उनकी पोस्टें नहीं है। लेकिन इंजीनियरों की पोस्टें जो है डे बाय डे 1975 से लेकर कितनी बार जनरेट हुई हैं, जहां पर 12-14 के करीब चीफ इंजीनियर हैं और 43-45 के करीब एससीज हैं, यानी कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। और उसी रेशियो में नीचे 43-50 जो एसडीओ और एक्सएम की तो बात ही छोड़िए, इतने पदों की जरूरत नहीं है। जैसे वर्मा जी ने कहा था, यदि उनको अगर एक चीफ इंजीनियर अगर छुट्टी जाता है तो ऐसी उस काम को देखता है, तो 36 बहुत सारे ऐसी थे, उनको देखे सारे थोड़ा पद खत्म किए। लेकिन जहां जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, ये फील्ड में कभी जाते नहीं। और इतना खर्चा इनका है, गाड़ियों का है, 4-4 चपरासी है, दफ्तरों में चपरासी नहीं है, फील्ड में स्टाफ नहीं, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, पोल में चढ़ने को तैयार नहीं है इंजीनियर, और सिर्फ जेई तक सीमित है सारा कुछ। अगर जेई सीधी अगर ऊपर एमडी को या चेयरमैन को रिपोर्ट करे और बाया बठिंडा घूम करके एसडीओ एक्सीएन और एससी के थ्रू ना आए, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात होगी। मैं जोगटा जी का सवाल ले रहा हूँ। जोगटा जी, सरकार की ढाल आप बन रहे हैं, लेकिन गांव में हालात क्या है? आप भी ग्रामीण क्षेत्र शिमला में अलग बात है, यहाँ एक फोन पे बिजली बहाल हो जाती है। गांव में एक एक लाइनमैन और आगे जो आउटसोर्स पे लड़के रखे हैं, उनको दिन में इतनी कंप्लेंट होती है कि अगले दिन जाके बिजली बहाल होती है। इतना इतना एरिया दे दिया गया, 2100 पद मांगे थे एसोसिएशन ने, इस तरह के। वही पे आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। हमारा जो क्लास 3 और 4 स्टाफ है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। सब सेवानिवृत्त हो गए या कुछ और हो गया, पेंशन पे चले गए हैं। लेकिन अफसरों की पोस्टें जो है बिल्कुल खत्म नहीं हुई, या उनकी जगह जैसे आज रिटायर होता तो उनकी जगह दूसरा अफसर आ जाता है इमीडिएटली। हमारे क्लास 3-4 स्टाफ की जगह कोई नहीं आता आज। इतनी बुरी हालत है, आपने ठीक बोला, गांव में बहुत बुरी हालत है। और ये अफसर जो है फील्ड में जाकर के कभी इन्होंने मुआयने नहीं किया, कभी सरकार के पास गुहार नहीं लगाई। अगर लगाई है तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने लगाई, जिसमें वर्मा जी हैं, खरवाड़ा जी थे, मुझे पता है, मैं भी उसमें था। तो ये इतने अफसर जो है इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है बिजली बोर्ड के अंदर। वह उसी तरह की जो चैन है वो पीडब्ल्यूडी में भी है, आईपीएच में भी है, और पुलिस में भी है। 3-3 डीजीपी है जो 81 आउटसोर्स को 15 दिन में उनकी सेवाएं खत्म करने दिया। वो क्या जरूरत थी? 12 साल से लोग काम कर रहे थे। ये इन्हीं अफसरों की मेहरबानी से उन पोस्टों को, मतलब वैसे तो आउटसोर्स की अलग से बात करेंगे, इसकी पॉलिसी भी बन रही है, उनको रखा भी जा सकता है क्योंकि वो ट्रेंड भी है। इन अफसरों की रिकमेंडेशन उन्होंने भी सब कमेटी बनाई थी, यहाँ भी 2 साल निकल गए शायद पॉलिसी। ये जो सब कमेटी बनी है इसके तहत ये सारी चीजें हैं, और सोर्स की पॉलिसी बननी है, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है इसके बारे में। इन्हीं अफसरों की रिकमेंडेशन से जो कैसी पोस्टें और सोर्स की उसमें अभी खत्म की है, पर लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ वो, ये पोस्टें ही अभी खत्म की है। आप मैनिफेस्टो से तो आप पीछे हट रहे हो, बाबू जी ने कहा 300 बिल्कुल नहीं, अभी तो 3 लग रही है। 3 साल और पड़े हैं, उसी कवायद को लेकर के ये सारा सिस्टम चल रहा है। ये सब जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है वो सब इम्प्लीमेंट होगा। अभी हमारे को चलने को लिखिए, बोले जो लहरी में भाजपा पैसे देते नहीं है, केंद्र से इनकी डबल इंजन की सरकार थी, 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा खड़ा है, उसको उसे भी तो निकलना है सरकार को। आप इस तरह से बार बार जोगटा जी ने कुछ सवाल उठाए हैं कि अफसरों की फौज बहुत है बिजली बोर्ड में,
इस कारण ये बहुत अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। मुझे 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 लग रहा है जो जोगटा जी मेरे अच्छे मित्र है, पर मुझे लग रहा है जो बोर्ड के आंकड़े इनके पास अपडेटेड नहीं है। और आज भी ऐसा कोई नहीं है कि बिजली बोर्ड में क्लास वन की पोस्टें बढ़ी है, जो कतर में जब बोर्ड बना जो पोस्टें उस टाइम थी वही है। और आप कंपेयर करेंगे आज बिजली क्षेत्र में जो हमारी सर्विसेज है बाकी राज्यों से बहुत बेहतर और टैरिफ भी लो है, पर जो आज जो उससे आपने खत्म की है तो फंक्शनल है। लेटेस्ट गवर्नमेंट मान ली है कि भी हम क्लास वन की कर रहे हैं, तो वो जो आउटसोर्स वाला कर्मचारी हो तो सबसे नीचे वाला है, उसको क्यों खत्म किया, उसको तो घर भेज दिया आपने। तो उसको मैंने नहीं बोला खत्म करेंगे, उसको रिवाइव करेंगे, बहाल करेंगे। लेकिन आप क्लास 3-4 की बात करें वर्मा जी, अफसरों की बात ना करें। मुझे लग रहा है बड़ी बात है कि अगर आपने बिजली बोर्ड को सही तरीके से रन करना है, आज आपको ही दिक्कत होगी, आपको नंबर आएगा मेरे एक्शन ऑफिस में आएगा, एक्शन के एब्सेंस में एसटीओ होता हूं जो देखता है, उसको अटेंड करता है, ग्रीवेंसेस अटेंड करता है। अब कल के बाद आप तो खत्म नहीं कर रहे हैं, कुछ एक को खत्म कर रहे हैं जो खराब तुके लग रहे हैं। जो जी अगर आप ये जो ऑर्डर देखेंगे ना ऑर्डर, इसमें वही पोस्ट है जो कंज्यूमर से जुड़ी पोस्ट है, ऐसी नहीं होगा तो एक्शन मिलेगा दफ्तर में। अब एक्शन भी मिलेगा वो एक तो लिंक हो जाता है, और भी ऐसी है, और भी कुछ नहीं है। चलिए डॉक्टर जी, मैं हीरा लाल जी से एक और सवाल लेना चाहूंगा। हीरा लाल जी, एक सवाल ये है, एक आपने जून महीने में 9 मुख्य बिंदु वाला एक पत्र मुख्य सचिव महोदय को मुख्यमंत्री जी को दिया था कि बोर्ड के मेन घाटे के कारण क्या है और इसको वो पूरा किया जाए, इस पे एक्शन लिया जाए, क्या एक्शन हुआ उस पे आज तक? अभी जो बड़ी बात तो है क्योंकि हमारा जो सीधा सीधा बिजली बोर्ड का जो अभी आप देखेंगे डॉक्टर साहब, हम इस साल में शुरू में अगर देखें, हम 23 अप्रैल की बात है, अप्रैल में 2300 करोड़ की सब्सिडी सार के पर एनम के हिसाब से जारी थी, जो सब्सिडाइज्ड है। हम बिजली खरीद रहे थे लेकिन गवर्नमेंट उसको आगे सब्सिडाइज कर रही थी, हमें पैसा नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट से उसको पैसे को वापस आने में रोल बैक करने में बड़ी देरी होती थी। उस फिर वर्किंग कैपिटल जो बिजली बोर्ड को चलाने के लिए हमें बाजार से पैसा उठाना पड़ता था, महंगी दर पर उठाना पड़ता था। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्टेप सराहनीय है, जो उन्होंने कमर्शियल कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उसमें जो थोड़ा सब्सिडी उन्होंने कम करी है और अपनी ईडी घटा दी, अपनी ईडी घटा दी ताकि इंडस्ट्री का टैरिफ ना बढ़े, ईडी घटा दी। लेकिन हमारी सब्सिडी भी जो उनके वहां से खत्म करती है उसका बढ़ा दी, मतलब टैरिफ उनका बढ़ा दी, जिसका सीधा रेवेन्यू में हमारा इम्पैक्ट आया। तो उससे लगभग 700 करोड़ का एक है, कमर्शियल से कुछ 900,000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये स्टेप है। इसके अलावा जो बाकी मुझे लग रहा है, अगर आप 10 पोस्ट या 50 पोस्ट करके कोई आप 3100 करोड़ का घाटा बिजली बोर्ड पूरा कर ले, तो इससे होने और नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि इस तरह की अगर आधार तैयार किया जा रहा है, तो क्या सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है बिजली बोर्ड? मैं एक कहना चाहूंगा, आज पूरे हिंदुस्तान में सिनेरियो है आपका, पार्लियामेंट में एक्ट अमेंडमेंट एक्ट पेंडिंग है जिसमें कई स्टेटों में आपका निजीकरण की ओर चले गए हैं, जिसमें हिमाचल भी एक रडार पे है कि भी यहाँ निजीकरण किया जाए। और बड़े दुख की बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी आती रही है उस जो उनके कार्यक्रम उनको आगे बढ़ाती गई है, कहीं ना कहीं तो नेशनल लेवल पे मोटिव है कि ये जो पब्लिक सेक्टर है बिजली क्षेत्र का, इसको निजी हाथों में देना है। और कहीं जो सरकार की कार्यप्रणाली स्टेट में अब तक की सरकारों की रही है, उससे भी यही लग रहा है। स्मार्ट मीटरिंग के पीछे क्या है, स्मार्ट मीटरिंग के पीछे है कि भी आपने बहुत बड़ा कर्मचारी एक बिजली बोर्ड से बाहर करना है, उसको आपने 9 साल के लिए निजी हाथों में दे दिया, आउटसोर्स उसमें लगा, वो भी बाहर हो जाएगा। तो कहीं जब आपकी बड़ी एक्टिविटी निजी हाथों में चले जाएगी तो देर सवेर बिजली बोर्ड के ऊपर भी एक स्टेज पे वो निजीकरण का खतरा बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि सरकारें उस ओर बढ़ रही है। जी चलिए, भावुक जी, निजीकरण की तरफ तो बढ़ रही है, आपकी जो आशंका थी ए, हम इसमें कहना चाहेंगे लगभग बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 परिवार जुड़ा हुआ है, जिसमें 29,000 पेंशनर्स है, 19,000 कर्मचारी है और बाकी जो पैटी कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे 50,000 का परिवार है। अगर ढांचा ढह गया लगभग 50,000 परिवार आपके सड़कों पे आ जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा, सरकारें अगर इस दिशा में आगे बढ़ेगी, हमारा ज्वाइंट फंड, हमारा पेंशनर्स, हमारा जो कंज्यूमर्स है, क्योंकि कंज्यूमर्स को भी उसके टैरिफ बढ़ेगा, तो इसको सजीदगी से लड़ेंगे और बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं होने। वर्मा जी देखिए इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि 2 साल में 46% जो इंडस्ट्रियल बिजली है उसमें बढ़ोतरी की, और 60% कंज्यूमर इंडस्ट्री वाले हैं आपके, तब भी बिजली बोर्ड का घाटा नहीं पकड़ा, क्या बात है? आज जो हमें टैरिफ आप देखेंगे, इसमें जो टैरिफ डॉक्टर साहब आपको देखना पड़ेगा, जो हमें बिजली दर अप्रूव होती है रेगुलेटर से, वो खर्चों के हिसाब से होती है। आपने बिजली जिस हिसाब से खरीदी उस हिसाब से ही हमें टैरिफ दर अप्रूव होती है। तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जो मार्जिन रखा होता है बड़ा कम रखा होता है, तो अगर इंडस्ट्री से पैसा जितना कराएगा उतना कर ही हमें लॉ होगा। तो अभी जो बड़ी बात हम इसमें कहना चाहेंगे, अगर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट देना चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उनकी है, जो टैक्स है गवर्नमेंट का, वो उसको कम करे,
तो हमारे टैरिफ को उतना चलने दे ताकि बिजली बोर्ड भी सस्टेन करें और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट करें, अपनी ईडी कम कर ले उनको बेनिफिट देना। चलिए विनोद जी, एक बार मैं सर कंक्लूड कर दूं और एक आपको एडवांस में एक सूचना दे दूं कि आने वाले वक्त में जो हमारा इंडस्ट्री है इसके ऊपर एक बोझ और बड़ा जो है वो बिजली बोर्ड की तरफ से डालने की तैयारी हो रही है, जो स्पेशल स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वो तो 1 अक्टूबर से लागू हो गई है दरें बाबू जी। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 क्या है जो एक स्पेशल स्टेट के रूप में जो हिमाचल प्रदेश को जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ रियायतें मिली हुई थी, सरकार ने अब ये भी निर्णय कर लिया है अंदर खाते कि वो रियायतें भी तोड़ देनी है ना, कि पिछली सरकार ने इंडस्ट्री को लास्ट में जाते वक्त और जो एक रियायतें दी थी उसको भी वर्तमान सरकार जो है वो वापस लेने के चक्कर में, ये भी लगभग गॉसिप शुरू हो चुका है। जी चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, जिससे आगे दो और भी निकली, ट्रांसमिशन भी निकला, पावर कॉर्पोरेशन भी निकला। अब कहीं ना कहीं इसको घाटे से उबारने की सरकार की कोशिशें शुरू हो गई है, जिसके तहत कुछ एम्प्लॉयज की छंटनी कर दी गई है और उत्तराखंड मॉडल का जिक्र हो रहा है कि बहुत कम एम्प्लॉय और आउटसोर्स एम्प्लॉय ही चला रहे हैं वहां पे बिजली बोर्ड को, क्योंकि इससे वेतन पेंशन डीए एरियर की देनदारियां सरकार की खत्म होती हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी सरकार ने वायदा किया था कि इनको ओपीएस देंगे, लेकिन अभी तक इनको ओपीएस भी नहीं मिला है। लेकिन वहीं पे अब इस तरह की तैयारियों के बाद देखा जा रहा है कि नेशनल लेवल पे जिस तरह से निजीकरण की तरफ निजी कंपनियां आने वाले समय में वितरण करेंगी पावर का, खरीदेंगी और आगे वितरण करेंगी, ये मॉडल कहीं हिमाचल में ना बन जाए, ये आशंका अब से बन गई है। और कर्मचारी विरोध करेंगे, उन्होंने कह दिया है कि ये निर्णय हमें मंजूर नहीं। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।